नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप हिंदी चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि आप सभी के लिए आज की यह वीडियो में लेकर आए हुए हैं कौन सा ऐसा कार्य है जिसे करके बीसी सखी महिलाएं अपनी मांगों को मंगवा सकती हैं और सरकार के समक्ष अपना प्रदर्शन कर सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय मिश्रा जी की अध्यक्षता में हो रही बीसी सखी महिलाएं कार्य कर रही हैं, और वहीं बीसी सखी महिलाओं के समक्ष आ रही हैं बहुत बड़ी चुनौतियां, जिसे पार पाना बीसी सखी महिलाओं के लिए एक चुनौतियां बनकर सामने आ रही हैं। कि कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, एक प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, यूं थक कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी आएगी और वो जीने का मज़ा भी आएगा। क्योंकि बीसी सखी महिलाएं आज हताश निराश परेशान जरूर हैं, लेकिन आने वाले समय में बीसी सखी महिलाओं की बहुत सारी मांगें पूर्ण होगी जो बीसी सखी महिलाएं चाहती हैं। बस बीसी सखी महिलाओं को एक छोटा सा कार्य करना होगा, जो कि आप सभी को बता दें कि बीसी सखी महिलाओं को 5 तारीख से समय 9 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अपने जिले पर कलेक्ट्रेट पर जाना है और वहां अधिक से अधिक बीसी सखी महिलाओं को लेकर धरना प्रदर्शन करना होगा, जिससे कि इस धरने प्रदर्शन से आप अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर सकती हैं और यहां जाकर अपने मांगों को सरकार के समक्ष रख सकती हैं। बस आपको यहां जाना है जिला कलेक्ट्रेट में और अपने अपने जिले पर, हर जिले की जिला कलेक्ट्रेट पर जाना है और वहां धरना प्रदर्शन करना होगा, और आप सभी की जल्द ही मांग सरकार पूर्ण कर सकती है। सभी बीसी सखी महिलाओं को यह कार्य करना होगा, जिससे कि बीसी सखी महिलाओं की समस्त मांगों को सरकार जल्द ही पूर्ण कर दे। हमारा उद्देश्य यही रहता है कि आप सभी को आपका हक दिलाना। वैसे इस विषय पर आप सभी की क्या राय है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।